माइनर सब्जेक्ट को चूज करते हुए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि मैं मेजर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, माइनर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। कारण यह है कि माइनर को नॉर्मली इग्नोर किया जाता है। दूसरा, माइनर कॉलेज के साथ इंटरेक्शन करके ले लिया जाता है। तीसरा, कॉलेज में भी इंटरेक्शन करने के बाद आप रॉन्ग चॉइस कर सकते हो, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि इतनी ऑब्स्टेकल है कि सिलेक्शन टेस्ट जहां गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने के लिए, जिसको सभी ऑब्स्टेकल पता है उससे आप जो है राइट गाइडेंस ले सकते हो। तो मेजर सब्जेक्ट तो वो है जो 3 साल आपने पढ़ा हुआ है एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसका मतलब है मेजर का मतलब आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बीकॉम, ऐसे कई जो एरियाज हैं, डिग्रीज हैं, डिसिप्लिन्स हैं जिनमें आप मेजर सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल बीएड में हो लेकिन जॉब के लिए सिलेक्शन टेस्ट तक पहुंचने के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल बीटेक की, बीई की बात करें, उनको मैथ्स, इकोनॉमिक्स या मैथ कंप्यूटर ऐसे मिल जाता है, साथ में लैंग्वेज मिल जाती है, लेकिन मैथ उन्होंने 3 साल नहीं पढ़ा होता है ना, तो उनको मैथ का भी एडिशनल देना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में सजेस्ट किया है कि उनको लैंग्वेज साथ में जरूर ले लेनी चाहिए माइनर सब्जेक्ट, क्योंकि लैंग्वेज का एडिशनल पेपर देना ईजी है और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे कई, ये भी पॉसिबल है कि आप मेजर रख के भी नॉट एलिजिबल हों जॉब के लिए। तो माइनर को चूज ऐसे करना चाहिए, ये वीडियो को बनाई है कि माइनर को मैं मेजर को भी ऐसे चूज करूं कि मैं सिलेक्शन टेस्ट के बाद यहां जॉब भी लिख दूं, गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने के लिए आने वाली रुकावटों को इजीली पार कर लूं। रुकावटें कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल आपके कई केस हो सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी हुई है, साथ में आपने जनरल पंजाबी पढ़ी हुई है, जहां एसएसटी बन रहा है, और आपने इलेक्टिव हिंदी पंजाबी ये कुछ नहीं पढ़ा, आपने जनरल पंजाबी, जनरल इंग्लिश रख लिया, मान लीजिए इंग्लिश रख ली है आप, आपने कॉम्बिनेशन एसएसटी इंग्लिश इंग्लिश रख लिया, और लेकिन जब इंग्लिश रख लिया तो आपको बाद में पता लगा कि आपको इंग्लिश का बीए का एडिशनल देना पड़ेगा, और इंग्लिश का एडिशनल देना आपको डिफिकल्ट लग रहा है हिंदी या पंजाबी या किसी और भाषा के, है ना। कई जैसे बीटेक की अभी वीडियो आया था, बीकॉम का सॉरी अभी फोन आया था, तो वो उनको लग रहा है कि मैं लैंग्वेज का इजी दे सकती हूँ लेकिन इकोनॉमिक्स का मुझे मैं नहीं दे सकती, इतना टाइम नहीं है। कई ऐसे फैक्टर होते हैं। तो अभी आपने ये सोचना है कि जो आप माइनर सब्जेक्ट ले रहे हो, इट मींस वो आपका प्रेफर्ड एरिया नहीं रहा है। उसको अगर होता तो आप जो उसको इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते। अच्छा, कई ऐसे केस हैं जिसमें आप ट्यूशन कर रहे हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट है वो मैथ्स की ट्यूशन कर रहे हैं लेकिन है बीकॉम। अभी एक फोन आया था, वो बीटेक हैं, कहते मैं मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रही हूँ और ज़्यादा ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो नेचुरली उनको एडिशनल पेपर फॉर्मल क्वालिफिकेशन पूरी करने के लिए मैथ का एडिशनल देना होगा। बेशक उन्होंने माइनर सब्जेक्ट, अच्छा वो बीएड में माइनर सब्जेक्ट उन्होंने ये लिया ही नहीं था, बीएड का भी कईयों को देना पड़ेगा। सो जब आपने माइनर सब्जेक्ट को चूज करना है, उससे सबसे पहले ये सोचना है कि इस रास्ते में टीईटी भी आना है। टीईटी में आपके 60 क्वेश्चन जो हैं उस सब्जेक्ट के आने हैं। फॉर एग्जांपल पीएसटेट दे रहे हो तो 60 क्वेश्चन आपके, अगर एसएसटी है तो एसएसटी है के आएंगे, अगर मैथ साइंस के हैं मैथ साइंस से आएंगे, अगर म्यूजिक है तो म्यूजिक आएगा, अगर फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन आएगा। तो डिफरेंट स्ट्रीम बना दिया है इन्होंने। हालांकि सीटेट में ऐसी डिवीजन नहीं है, दो ही डिवीजन है, साइंस मैथ्स वाली एक डिवीजन और एसएसटी वाली। लेकिन ये पेपर टू की बात कर रहा हूँ, जो पांचवी से आठवीं तक के, दसवीं तक के लिए जिन्होंने एलिजिबल होना है। तो 60 मार्क्स ये आने ही आने हैं। तो आगे 60 मार्क्स तो आपने चलो कर लिया, टीएट पास कर लिया, लेकिन द मेन जो है सिलेक्शन टेस्ट करना, इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, और वो 1 के 150 क्वेश्चन किसके आएंगे? जो माइनर सब्जेक्ट आपने अभी चूज किया है, मेजर के जे दोनों के आएंगे, जो जिस पोस्ट के लिए आपने एलिजिबल करना है। फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, मैथ्स ले लिया, तो मैथ्स के 150 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं सिलेक्शन टेस्ट के वक्त। तो अब उस वक्त बीएड में इजी लग रहा था, लेकिन अब मैथ के सॉल्व करना, वो सिलेक्शन टेस्ट के लिए कंपीट करना आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मेहनत टेट में भी कम है और इधर तो बहुत ज़्यादा कम है मार्क्स ऐसे लेने के लिए।
तो दैट इज वाई जब माइनर सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो, आप अपने से आपसे एक क्वेश्चन पूछोगे कि मेरे पास इतनी नॉलेज है या मेरे पास इस सब्जेक्ट का इतना इंटरेस्ट है कि मैं सिलेक्शन टेस्ट के लिए दिन रात एक करके इसमें कम्पीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके अलावा ये भी सोचना होगा क्या मैं इसका एडिशनल दे पाऊंगी। माइनर है, माइनर के जो दो ये ग्रुप बने हैं, ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, एज इलेक्टिव एज जनरल। एज इलेक्टिव जो पढ़ा है 3 साल पढ़ा है जहाँ से ज्यादा पढ़ा है उसके, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो गया। अरे अगर इलेक्टिव भी 2 साल पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल BE, BTech, BCom ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिसमें BCom नहीं, उसमें 2 साल कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, उन्होंने 3 साल मैथ्स नहीं पढ़ा लेकिन BTech वालों को मिल रहा है मैथ्स, तो वहां वो 2 साल पढ़ा है मैथ्स या 1 साल पढ़ा है मैथ्स, तो वहां उनको बीएड में तो एडमिशन मिल गई लेकिन वो किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है जब तक वो एडिशनल बीए का नहीं कर लेते वो जो सब्जेक्ट मेजर लिया है। ऐसे ही दूसरी तरफ ये तो हो गया मेजर सब्जेक्ट बीएड करवा देते हैं, है ना। दूसरा एसएसटी और इंटीग्रेटेड साइंस सब्जेक्ट है पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो है वो रिलैक्स कर देते हैं कि आप हिस्ट्री अकेली पढ़ी है तो आप एसएसटी रख सकते हो। ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है जहाँ फिलोसफी पढ़ी है आप एसएसटी रख सकते हो, साइंस भी ऐसे शायद देते हो, तो वो बाद में एलिजिबल नहीं है बेशक वो उन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ा है लेकिन अगर 3 साल नहीं पढ़ा तो वो नहीं एलिजिबल। तो ये होगी मेजर की बात, इनके लिए भी अलग से युद्ध करना पड़ेगा, पर ये आपने चूज किया है आपकी मास्टरी इसमें ज्यादा होगी ये मान के चलना पड़ेगा। जनरल के लिए जो सब्जेक्ट हैं नॉर्मली होते हैं जनरल इंग्लिश, जनरल पंजाबी जो भी स्टेट के हैं, तो वो बेशक आपने 3 साल अब पढ़ा है लेकिन वो जनरल है, आप नॉट एलिजिबल हो। ये आपको फॉर एग्जाम्पल जनरल इंग्लिश पढ़ी है तो वो आप एलिजिबल नहीं हो, उसके लिए आपको एडिशनल पेपर इसका देना पड़ेगा इंग्लिश का। तो अब ये माइनर होगा, तो यहाँ पर ये सोचना है कि मैं इंग्लिश का एडिशनल पेपर एक इजीली दे सकती हूँ, मैथ्स ले रहे हो मैथ्स का दे सकती हूँ, प्लस मैं TET उसका, और क्योंकि 60 क्वेश्चन उसके आने हैं, और ये जो है आपका सिलेक्शन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो क्लियर कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन पूछने हैं आपने क्योंकि आप जनरल से जा रहे हो, आपकी वो स्ट्रीम नहीं है जो ऑड कॉम्बिनेशन है। आगे आपने सोचना है कि माइनर जो मैं ले रही हूँ उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, और मैंने एलिजिबल बनना है उसके लिए एडिशनल करना है, तो मैं यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करूँ, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी रिलैक्स है दूसरी नहीं है, वो भी इस वक्त सोचा जा सकता है। तीसरा है कि मैंने बीएड के साइड बाय साइड एडिशनल पेपर दे देना है, यस दे देना चाहिए, कोशिश कर लेनी चाहिए कि आप बीएड जब होती है तो आप एलिजिबल बन जाओ। अच्छा एक और फैक्टर है कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन, कईयों ने दो चीज़ें हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर ली है, अगर कर ली है तो नेचुरली आप पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की नॉलेज है वो सिलेक्शन टेस्ट में काम आएगी, आपको प्रेफर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो करना चाहिए। लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए दुविधा है कि वो PGT के लिए नहीं TGT के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, जिनकी जॉब ज़्यादा है वो दुविधा है, वो उसका उनका पर्सनली सोचना होगा। TGT फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बन रहा है, उन्होंने कल एक थे उन्होंने हिंदी इलेक्टिव पढ़ी हुई है लेकिन MA इंग्लिश की हुई है तो MA इंग्लिश का फायदा अब लें जहाँ पर हिंदी का, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप वो TGT का ग्रेजुएशन के बेस पर ज़्यादा सेलेक्ट करो, PG सेलेक्ट करो, लेकिन PG की एलिजिबिलिटी आपकी बाद में एडिशनल पेपर BEd के देके भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल कल के केस में उन्होंने अगर TGT हिंदी रख लिया था लेकिन MA इंग्लिश की हुई है, बाद में एडिशनल BEd का इंग्लिश दिया जा सकता है, पर PG को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इससे रिलेटेड आपका सब्जेक्ट बन रहा है वो पे करेगा आपके सिलेक्शन टेस्ट के लिए, क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये अगली वीडियो में बात करते हैं, लंबा हो जाएगा। सो PG इज वन ऑफ द मेन फैक्टर बिसाइड्स दीज फैक्टर्स। तो इतनी बातें हैं आपने सोचनी है जब माइनर सब्जेक्ट के लिए सोचना है, और इसके लिए स्टेप भी लेने हैं, और इसके अलावा एक वीडियो निकालूंगा कि ये टोटल आपने बीएड में करना क्या है, क्या आपने बीएड पर जोर देना है, क्या आपने TET पर जोर देना है, क्या सिलेक्शन टेस्ट पर जोर देना है, कितनी एनर्जी इसको 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 देनी है। ये बड़ा क्वेश्चन है जो शायद अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए, हम बीएड करने के बाद सोचते हैं, अभी से सोचोगे तो बेटर रहोगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह।